Hello, my dear friends. Good morning. Today we are going to discuss some more competitive exam video lectures. इस सीरीज में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया है. आज हम हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि सेबी हुआ या डीए वगैरह हुआ, इनके ना हेडक्वार्टर्स के एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे आरबीआई का देख लीजिए या आरआरबी का देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, कुछ भी है तो उसमें हर किसी में हेडक्वार्टर्स आते हैं. ये पुराने क्वेश्चन में से मैंने कुछ बनाया है नोट्स, आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसको सुन के ही आपको याद हो जाएगा सारा. एक बार सुन लीजिए. देखिए, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जिनका मुंबई है वो आप लाइन से एक बार लिख लीजिए. यूटीआई, नबार्ड, डीआईसीजीसी, एलआईसी, एनआईएसीएल, आरबीआई आपका, सेबी, क्रिजिल, आईडीबीआई बैंक, केयर, ये भी रेटिंग एजेंसी है, एग्जिम बैंक, ईसीजीसी, सिबिल, एनपीसीआई और एसबीआई. इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई है, ये अलग से आप नोट कर सकते हैं. अब जो अलग तरह के आते हैं वो कई बार यूएनओ का पूछता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, डब्ल्यूएचओ का जिनीवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ भी वाशिंगटन डीसी, पीएफआरडीए और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक ये न्यू दिल्ली में है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ये चेन्नई है, एनआईसीएल कोलकाता में है, इकरा गुरुग्राम, एफएटीएफ पेरिस, मुद्रा न्यू दिल्ली, सिडबी लखनऊ, आईआरडीए हैदराबाद, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन यूके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग्यू, ब्रिक्स संघाई चाइना, आईएफसीआई इज न्यू दिल्ली. ये कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो कि आप सुन के भी याद कर सकते हैं. बाकी आप अगर नोट कर लेंगे तो फिर वो मेमोरी में जल्दी अच्छा चला जाता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है. एब्रीवेशंस भी बहुत बार आते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार. जैसे ECGC है, उसका इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं. ये एक्चुअली क्या होता है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ना उसकी गारंटी वगैरह लेते हैं, ECGC के थ्रू होता है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार. कई बार नबार्ड बहुत बड़ा टर्म है तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. फुल फॉर्म की एक मैंने अलग से एब्रीवेशन करके वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं. बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी रोज के करंट अफेयर्स में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 256 से ज़्यादा लोग नहीं ऐड होते हैं और मेरे पास रिक्वेस्ट नियर अबाउट 100 और 215 स्टूडेंट्स की डेली रिक्वेस्ट आती है. तो उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है. वो इसीलिए है क्योंकि उसमें 2 लाख लोग ऐड हो सकते हैं, तो मेरे को बार बार कोई नया ग्रुप नहीं बनाना पड़ता है. देखते होंगे आप लोग फेसबुक पे हर तीसरे दिन मेरे को एक नया ग्रुप बना के डालना पड़ता है व्हाट्सएप का. तो उसके पीछे यही रीज़न है कि 100-150 लोग रोज ज्वाइन होते हैं, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. टेलीग्राम ग्रुप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप छोटा सा ऐप है, इस कोई इतना बड़ा ऐप भी नहीं है वो टेलीग्राम का, तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं. और वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के सुबह और शाम को नोट्स डाले जाते हैं जो कि आप पीडीएफ है उसको आप प्रिंट करके भी अपनी एक फाइल बना सकते हैं और वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं. बाकी अगर आप खुद से वीडियो सुन के और नोट डाउन करेंगे तो वो ज़्यादा आपको याद रहता है. तो फ्रेंड्स, अभी करंट अफेयर्स की कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं. तो कोशिश यही रह रही है कि कुछ और वीडियोस हैं जो कि मैंने आपको शेयर करी हैं तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.